जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीना ने बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत बनगांव स्थित बोधायन मंदिर का निरीक्षण किया, जहां मंदिर के पुजारी शिवम दास द्वारा उन्हें पाग व साल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा मंदिर परिसर में पर्यटन विभाग द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही मंदिर के पोखर के सौंदर्यीकरण हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी में पर्यटन के क्षेत्र में मंदिरों का विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन्होंने मंदिर परिसर में पर्यटकों के लिए बने गेस्ट हाउस का निरीक्षण भी किया। वहीं दूसरी ओर डुमरा प्रखंड के भूप भैरव पंचायत में राम जानकी मठ मंदिर परिसर में अमृत सरोवर योजना से 4,56,000 की लागत से पोखर का जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा पोखर के चारों तरफ पथवे निर्माण, बैठने की व्यवस्था, लाइट, झंडोत्तोलन हेतु स्थल आदि अन्य सुविधाओं को लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। साथ ही उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से सरकार की विभिन्न पंचायत स्तरीय योजनाओं, नल जल योजना, आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली आदि योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने मध्य विद्यालय भूप भैरव का औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने शिक्षक की उपस्थिति, छात्र छात्राओं की उपस्थिति, विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए शौचालय, पेयजल की स्थिति के साथ मध्याह्न भोजन एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने का निर्देश दिया, साथ ही उनके द्वारा उपस्थिति पंजी एवं मध्याह्न भोजन पंजी के निरीक्षण के क्रम में अनियमितता पाए जाने पर पंजी को जब्त करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में उप विकास आयुक्त विनय कुमार, ओएसडी प्रशांत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरा अमरेंद्र कुमार उपस्थित थे।